कर रहे हैं। आप इम्पोर्ट करते हैं लेटर में क्या होता है कि पूरे में आ जाता है, यहाँ पे जो होता है कि इस तरह की चीज़ आती है बनी हुई। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप कितना एरिया बताएं, या जितना एरिया बताएंगे उतने एरिया में स्केल डाउन हो गया जाएगा। दोबारा देखें, इम्पोर्ट क्लिक ड्रैग करेंगे तो आ जाए, अगर खाली क्लिक कर देंगे तो क्या होगा पूरी में जाएगा, वरना क्या होगा कि सिर्फ एक एरिया है उतना हिसाब से आएगा। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें वहाँ से कंट शिफ्ट से होती हैं, यहाँ पे कंट्रोल से होती हैं। खैर, ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ऊपर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है अफेक्ट का और एक है बिटमैप का। इलस्ट्रेटर में भी बहुत पहले ऐसे ही होता था कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट होते थे, अफेक्ट और बिटमैप। अफेक्ट में वेक्टर जो यार ने डिस्टॉर्ट एंड पकड़ने ब्लोड वगैरह देखा था, वो सब कहाँ पे होता, वो सब अफेक्ट में होता था। यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे एक्सट्रूड है, बेवल है ना, ब्लेंड है, आर्टिस्टिक मीडिया है तो यहाँ पे ये यह। मगर हमने जो है ये इमेज जो लेके आए हैं, ये इमेज कौन सी है, वेक्टर रास्टर रास्टर, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, बिट मैप में। बिट मैप क्या होते हैं, फाइल फॉर्मेट भी होते हैं और क्या होता है, ब्लेंडिंग मोड भी होता है। वो ब्लेंडिंग मोड क्या रहा, कलर मोड होता है। फाइल फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि बिट मैप में आने के बाद जो है बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे क्या है, 3D इफेक्ट। 3D इफेक्ट में जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है इसका, वो है पेज कर्ल। पेज कर्ल क्या करता है बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नज़र आ जाएगा। अभी ये पेज कर्ल कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, मैं जा रहा हूँ इधर से हो तो ये इधर से हो जाए। कितना फोल्ड होगा, मगर इसका जो फोल्ड है वो बहुत ज़बरदस्त है, क्या कह रहे हैं। चलिए, बाकी यहाँ से कलर दे सकते हैं ज़रूर, मगर मुझे ये वाला कलर ज़्यादा बेहतर लगता है। जैसे अगर आप यहाँ पे इसको कोई और कलर दे देंगे तो वो अजीब से ही लगेगा, कर सकते हैं। पीछे कोई और इमेज नहीं शो करवा सकते। हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि एक होता है ट्रांसपेरेंट और एक होता है ओपेक। वो बेक कर देंगे तो वो क्या होगा कि बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा, नीचे वाली इमेज नज़र नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है सिल्वर कलर का है, पेज कलर हो रहा है। जब फिर ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, नीचे से इमेज नज़र आ रही है। ये कहाँ से आ रहा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, यहाँ से लग रहा है, यहाँ से लग रहा है, कहाँ से लग रहा है, वो आप करवा सकते हैं। ओके करेंगे, फाइनल हो सर जाएगा। ये किस चीज़ है, ये आप पता नहीं, सिंगल पेज प्रीव्यू है, बड़ा प्रीव्यू नज़र आ रहा है यहाँ। थ्री डी इफेक्ट रोटेट, याद है काम क्या होता था इलस्ट्रेटर में, रोटेट 3D थ्री डी रोटेट। बस ये ऐसे ही है, खास मज़ेदार नहीं है। सिलेंडर, वो कोशिश करेगा कि इसको सिलेंडर शेप में ले आए, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकता है। इसको कोशिश कर रहा है कि वो सिलेंडर की तरह घूम जाए, मगर वो अपनी कोशिश ही कर सकता है बस, और कुछ नहीं। क्यों ग्रे हो गया, सेलेक्ट नहीं है। इम्बोज वगैरह भी आप खुद ही करके देख लेंगे, इतना कोई ज़्यादा टेक्सचर इम्पोर्टेंट पंच नहीं। किया था कहाँ पे, ये कहाँ
इफेक्ट इसके बहुत अच्छे हैं। चारकोल बेसिकली क्या है, ये इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप और इन डिज़ाइन कंबाइंड है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है इनके अफेक्ट बन सकते। ब्लर, गॉशियन ब्लर, ये सब आपको पता ही है। जूम वगैरह कर सकते हैं इसमें। कितनी देर देख सकते हैं इस तस्वीर को, घूम रहे हैं दिमाग। रेडियल ब्लर, ये फोटो फिल्टर वगैरह आ गया। फोटो फिल्टर याद है, फोटोशॉप, सीपिया टोन, कलर बैलेंस में हल्की हल्की टिंट चेंज होती है, हल्की टिंट। सैचुरेशन और लाइटिंग
फिर से मैं दूसरा कुछ बनाऊँ ऑब्जेक्ट, फिर उसको छोटा बड़ा करूँ। स्केल टूल से करेंगे चेक, लगा हुआ होगा तो साथ में। वैसे अभी जो आपने ये इफेक्ट लगाया है, अब मैं फिर से दूसरा बनाऊँ तो वो इस पर भी अप्लाई हो रहा है फिर? नहीं हो रहा फिर इसका अलग से, और सब क्या 50 का ही रखना है ये? नहीं नहीं मर्जी है, जो कर लें, सिर्फ चेक लगाना चाहिए बस। बड़े बड़े काम की चीज़ें आउटलाइन में काम आता है, फिर मैं उसको करता ही नहीं हूँ ब्रेक, बड़ा करता ही नहीं, जिस साइज पे बनाता हूँ उस पर एक्सपोर्ट कर देता हूँ। इस तरह का इफेक्ट देखा है आपने डॉन में? डॉन पेपर जो आता है न्यूज़पेपर, हाफ टोन इफेक्ट कहलाता है ये। इसको जो है ना वो खुद से ट्राई भी कर सकते हैं, अच्छी इफेक्ट है ना। चारकोल मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे इसकी जो ट्रेस होता है इस पे ट्रेस नहीं है, ये सिर्फ वेक्टर ही वो रास्टर ही है। नहीं वैसे अभी मैं इसको फिर से ट्रेस कर दूँ वेक्टर में, लाइक ट्रेस सर वो जो चारकोल वाला कोरल ड्रा है, कोरल ड्रा में इसकी अलग यूटिलिटी आती है कोरल ट्रेस के नाम से, मतलब इसके अंदर नहीं अलग सॉफ्टवेयर होना चाहिए। रास्टर रहेगा, तस्वीर रहेगा, जला दें शक्कर निकल आएगी। तो पीएचडी से निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं, सारी लेयरों को काट काट के पेन टूल से बैकग्राउंड को क्लोन करते हैं। मोबिलिंग का लोगो है,